What you think? मुन्ना भैया, मुन्ना भैया, ये कालीन भैया है। माचो देंगे, सबकी माचो देंगे। मुन्ना भैया, इनकी माँ आपकी दादी हुई। एक, दो, तीन, चार। भोसड़ी केस के आगे मत गिन लेना, वो गांड का छेद है हमारी। भैया जी, चूतिया थोड़ी ना है हम, गांड का छेद ठीक से जानते हैं। बहुत मारे हैं आप हमारे। माँ दद्दा तुमको बहुत इज्जत देते हैं। हम बताएं, तुम्हारे दद्दा तुम्हें इतनी इज्जत क्यों देते हैं? कि तुम्हारे दद्दा ना अद्दा है। भोसड़ी के इज्जत देंगे नहीं तो मिलेगी कहां से? काम की बात करते हैं। तुम्हारे दद्दा है, जब लेने जाते हैं तो सीढ़ी लगती होगी या खुद ही चढ़ जाते हैं? महादत चोत। अरे भाई, वो खींच रहे हैं तुम्हारी। माए दोस्त है इसलिए चुप बैठे हैं। सिवान में हो, यहाँ बकचोदी नहीं करते। दद्दा होते एक मिनट में माँ चुप देते। अभी सीढ़ी तो उसके लिए भी लगती होगी। कुछ कहना है? अच्छा, फिर सर, तुम्हारे वालिद भोसड़ी वाले। एक ये कौन हुए? तुम्हारे पापा। अच्छा, शुरू से तुम भोसड़ी वाले, तुम्हारे पापा भोसड़ी वाले, तुम्हारे दादा भोसड़ी वाले, तुम्हारे नाना भोसड़ी वाले। भोसड़ी के नाना को कुछ मत बोलना। मम्मी बहुत डिसेंट फैमिली से थी हमारी। ना भैया, जरीना तो अब रही नहीं, और बाकी सब आपके लेवल की नहीं है, सब चीप टाइप की है। हमें बस लेने से मतलब है, कोई भी दे। ना भैया, हम आपके चॉइस जानते हैं ना। किसी को भेज रही हैं या तुम ही को लेटाए? और ये चुनावी रैली में आप अपने लिए नारे काहे लगवा रहे हैं? लगवा नहीं रहे हैं, लग रहे हैं। जलवा है हमारा है। जबान और जूझी कंट्रोल में रहना चाहिए। तुम इंसान हो कि लिंग? बोले थे ना सीएम साहब की बेटी के साथ कायदे से रहना। तुम उसको नीचे ले ली।